अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नेम है मिड टर्म की प्रिपरेशन। इस सीरीज में हम CS201 की जो मिड टर्म के रिलेटेड, जो एग्जाम्स के रिलेटेड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, आज हम उनको कवर करेंगे। ओके, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज से 2 से 3 मैं लेक्चर्स इसके कवर कराऊं। इस ये जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे ये वाली मिड टर्म में, इसमें आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज, ये दो चीजें आपकी रेडी हो जाएंगी। और साथ साथ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, जो बेसिक से कंसेप्ट होते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊंगा। ओके, तो इस ये जो सीरीज हमारी, ये वाली सीरीज है, इसमें हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली मैंने अलग सीरीज में ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है सारी कंप्लीट डेव में कैसे कोडिंग होती है, सब कुछ लेक्चर वाइज मैंने ना इसका सब कुछ कवर कराया हुआ है। तो इस सीरीज में ना हमने जस्ट थ्योरी और जो मिड टर्म के रिलेटेड जो ग्रैंड क्विज के जो एमसीक्यूज आते हैं उनके रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे। ओके, सो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो सबसे पहले है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। C++ एक प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स है। तो प्रोग्रामिंग है क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोग्राम एक सीक्वेंस स्टेप्स होते हैं सीक्वेंसली, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखो अगर मुझे 1+1 करना है, 1+1 मुझे पता है 1+1 करेंगे तो 2 आता है, लेकिन जब अगर मुझे प्रोग्रामिंग में 1+1 करना है तो ये क्या होगी, मेरी प्रॉब्लम होगी। देखो अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे नहीं पता कि 1+1 प्रोग्रामिंग में कैसे होगा, कैसे होगा ये, मतलब कैसे होगा ये, कैसे ये जो कैसे होगा ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को हमने प्रोग्रामिंग में सीखना है, सीक्वेंस के स्टेप्स को सॉल्व करने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, शॉर्टकट। ओके, तो इसके बाद है, इसके बाद ये सब कुछ ये वही बता रहे हैं। यहाँ पे एक मेन चीज आ रही है, व्हाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है। द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क इज व्हाई शुड वी लर्न टू प्रोग्राम व्हेन देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कोड जनरेटर अवेलेबल टू डू द टास्क फॉर अस। देखो आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, काफी ज्यादा कोड जनरेटर के आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे। अगर इतना ज्यादा सब कुछ है तो हमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्यों, मतलब इतनी क्यों इंपॉर्टेंस हमें कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग सीखें। तो सबसे पहला इसका जो आंसर है वो ये है कि प्रोग्रामिंग आपकी स्किल्स को इंक्रीज करती है, आपकी माइंड ब्रेन को मजीद इसको ब्लोइंग करेगी। प्रोग्रामिंग के रिलेटेड इनके एक के जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग बनाई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी है बिल गेट्स, उन्होंने एक जगह पे ये कहा था कि अगर मेरी अप्रोच हो तो मैं हर एक इंसान को प्रोग्रामिंग सिखाऊं और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड उनसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मतलब प्रोग्रामिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो उनका ये कहना है कि अगर मेरे पास में हो तो मैं सबको प्रोग्रामिंग सिखा दूं। तो प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर प्रोग्रामिंग सीखोगे आप तो आपके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकली उसकी वो आपकी सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले जो मेन पॉइंट वो यही है, द क्रिटिकल रीडिंग, इससे आपकी जो क्रिटिकल रीडिंग है वो आपकी इंक्रीज होती है। एनालिटिकल थिंकिंग, जो आपकी सोचने की सलाहियत होती है वो इंक्रीज होती है। क्रिएटिव सेंथेसिस, जो आप न्यू चीज बनाने की कोशिश करते हो, जब आप प्रोग्रामिंग में कोई लॉजिक बनाने हो, लॉजिक बिल्ड करते हो, तो लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्किल्स वो होती है, वो भी आपकी इंक्रीज होती है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, मतलब कौन सी स्किल्स जरूरी होती है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। सबसे पहले है पेइंग अटेंशन टू डिटेल, मतलब जब आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, तो आपने अपनी फुल अटेंशन प्रोग्राम को देनी है। ओके, थिंक अबाउट द रियूजबिलिटी,
जो आपने चीज ऑलरेडी पहले यूज की यूज कर ली है उसको दोबारा यूज करने का सोचें, ये भी आपकी स्किल्स को इंक्रीज करेगी। थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस होगा, मतलब आपको आज आपको एक प्रोग्रामर हो ना, आपको एक डेवलपर हो, लेकिन जो एक यूजर जिसको आपने सॉफ्टवेयर बना के देना है, उसकी उसकी जगह पे रह के आपने सोचना है कि एक यूजर है वो कैसे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको कैसे हमने सॉफ्टवेयर देना है। ओके, अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। आपने ये समझना है, कंप्यूटर को ये समझना है कि कंप्यूटर एक स्टूपिड है। अच्छा, आप स्टूपिड मीन क्या है? स्टूपिड मीन ये होगा कि देखो, जो भी आप कंप्यूटर दोगे ना, मतलब जो भी आप कोडिंग करोगे, कंप्यूटर वही सॉल्व करेगा। कंप्यूटर अपने से कोई कुछ चीज बना के नहीं देगा। देखो, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है, हम सोचते हैं, लेकिन ये अकल अल्लाह ने इंसानों को दी है, कंप्यूटर को नहीं दी। कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ सोचे, कुछ थिंकिंग करें। तो ये अल्लाह ने हमें दी है, तो इसलिए ये हमारे अंदर सलाहियत है, हम सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो जो भी आप कोडिंग दोगे ये वही चीज सॉल्व करेगा, ये कुछ अपने खुद से ये कुछ कुछ सॉल्व नहीं करेगा। जो आप इसको बोलोगे ये वही करेगा, इसलिए ये कंप्यूटर इज स्टूपिड है, मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा सिवाय जो आप कहोगे। जो आप कहोगे कंप्यूटर वही सब कुछ सॉल्व करेगा। ओके, कमांड की कोड लाइब्रेरी, हम इसका क्या मतलब है? जो आप कोडिंग करते हो, जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो आप हर लाइन को कमेंट करते हो ताकि वो रीडिंग के लिए सब ज्यादा इजी हो जाए। ये जो पैराग्राफ है ये सब कुछ वही बताया हुआ है जो मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ओके, मैं आपको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में जस्ट आपको मैं इसका कंसेप्ट दूंगा, तो बाकी जो इतनी डिटेल इतनी करने बेशक कोई जरूरी नहीं होता, जस्ट आप इतना इसका कंसेप्ट आपने लेना है। ओके, ये भी इसके कुछ वही सेम चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही है कि डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूजर, मतलब एज अ यूजर आपने थिंकिंग करनी है। एज अ यूजर देखो, जब आप चीज बनाते हो, आपने जस्ट अपने तक लिमिटेड में नहीं रखना कि ये मैं डिवेलपर हूँ, ये मुझे कैसा दिखाई देगा, बल्कि आपने ऐसा यूजर सोचना है कि अगर जो यूजर है उसको मैं कैसा सॉफ्टवेयर बना के दूं, मतलब कैसी कोडिंग बना के दूं तो उसको ये ऐसा उसके लिए इजी हो। ओके, यूजर इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, मतलब जो यूजर इंटरफेस होगा वो ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट अ कोड, मतलब हर कोड को कमेंट करना जरूर, और कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं बोलना। पे अटेंशन टू डिटेल, जब आपने कोडिंग करनी है तो फुल डिटेल फुल अटेंशन के साथ आपने उसकी कोडिंग करनी है। प्रोग्राम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट अ होल प्रोसेस ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एक प्रोग्राम जस्ट एक कोडिंग नहीं होता कि जस्ट उसको कोडिंग 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 ही करनी है, बल्कि वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसको कैसे डिजाइन डेवलपमेंट करना है वो सारा फुल प्रोसेस होगा। ओके, लेक्चर नंबर वन इतनी था, तो लेक्चर नंबर टू अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब लेक्चर नंबर टू में सबसे पहले है सॉफ्टवेयर कैटेगरी। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो सिस्टम के लिए बनाए जाए, जो सीपीयू के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जा रहे हैं, और हम एज अ यूजर हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए ही होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स का कंप्यूटर, इट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर, जैसे कीबोर्ड माउस मॉडेम साउंड कार्ड इटीसी, मतलब ये सिस्टम के रिलेटेड है ना, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंट्रोल कर रहा है। एंड कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, मोस्टली ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर जो होती है, मतलब ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटीज ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अगर आपका पूरा सिस्टम अभी चल रहा है ना, अगर कंप्यूटर अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप जो भी है, अगर आपका पूरा वो सिस्टम चल रहा है ना, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है, इवन छोटी से छोटी चीज भी, जो कुछ भी उसके अंदर डिवाइस लगी हुई है, जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगे हैं, वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है।
अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जो मोस्टली यूज होता है, जो सब ज्यादा ज्यादा जो अभी यूजर यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी भी बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ भी उन्होंने सब कुछ वही चीज है, जैसे उन्होंने ये बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड में सर्विसेज सच एज रिसोर्सेज एलोकेशन शेड्यूलिंग इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डाटा मैनेज, मतलब ये सारा डाटा मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट जो डाटा आपका आता है जाता है वो सब कुछ शेड्यूलिंग करना, मतलब सब कुछ स्केड्यूल बनाना, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जो आपके सिस्टम, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर को हम इंस्टॉल करते हैं। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल्स देता हूँ। अगर आपने कभी किसी शॉप में, किसी आईटी शॉप में अगर आप गए हो, वहां पे कोई अगर आपने अपने पीसी, किसी लैपटॉप की अगर विंडो कराई हो, तो अक्सर वो कहते हैं हमने अभी डिवाइस ड्राइवर करनी है, विंडो के बाद अभी हमने डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। वो क्यों होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं, देखो अब जब आपने साउंड लगाना है, कोई साउंड यूज करनी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अगर आपने यूज करनी है, कोई कीबोर्ड यूज करना, कोई माउस यूज करना है, तो उसके लिए वो मॉनिटर जो सॉरी वो जो कीबोर्ड होगा, जब कीबोर्ड को हम मॉनिटर सॉरी सीपीयू के साथ अटैच करेंगे तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो सिस्टम होता है वो कीबोर्ड और माउस को अंडरस्टैंड कर सके, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं। हर हर सॉफ्टवेयर की, हर हार्डवेयर की मुख्य डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ओके, तो जैसे साउंड कार्ड, सीडी, मुख्य किस्म के हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हो। दी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो बिलोंग टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर्स का जो हमारे जो आपने यूज किया होगा डेव सी प्लस, डेव सी प्लस प्लस में कंपाइलर्स यूज हो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर पुराना चेक करता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। और ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाए, जो यूजर की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज डेवलप हुई 60 एंड 70 की रेंज में इन बेल लेबोरेटरीज में, 60 एंड 70 की सदी में ये इजाद हुई थी, ये बनाई गई थी। इन दोज डेज बीसीबीएल एंड बी लैंग्वेज वर डेवलप्ड, उस टाइम पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काफी डेवलप लैंग्वेज थी बीसीबीएल एंड बी लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है इसके लिए बी लैंग्वेज यूज होती थी। तो ये 1967 में बनी, जबकि ये जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज हमारी बनी 1989 में। 1989 में ये लैंग्वेज हमारी एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल्स पे ये अप्रूव हुई थी, और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज हुई थी सबसे पहले। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है, सी लैंग्वेज कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है? सी लैंग्वेज हमेशा आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स ऑफ ट्रेड। टूल्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? टूल्स ऑफ ट्रेड वो होते हैं जब आप कोडिंग करते हो, तो मतलब जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कौन कौन से मुख्य एडिटर्स आप यूज, मुख्य चीजें यूज करते हो। जब आप डेव सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हो तो आप एडिट करते हो, मतलब आप टाइपिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो उसके लिए आप एडिटर यूज करते हो। फिर इसके बाद जो यूज होगा वो होगा कंपाइलर। देखो जब हम कोडिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो होता है जो हमारे प्रोग्राम को चेक करता है कि इस पे क्या इशू है, अगर कोई एरर आ रहा है तो ये हमें बताता है कि आपका ये सेंटेक्स आ रहा है, ये लॉजिकल आ रहा है, ये रन टाइम आ रहा है, मतलब कोई भी एरर होगा ये कंपाइलर हमें बताएगा, लाइन बाय लाइन को चेक करेगा। अगर फर्स्ट लाइन पे चेक किया, अगर इसने एरर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अगर नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ तो फिर उसे नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अगर आपका ऐसी स्टेप स्टेप होगा, अगर जब आपका एरर आएगा 4 या 5 लाइन पे, 5 लाइन में वो उसी वक्त शो कराएगा कि आपका इस लाइन पे एरर है, उसी वक्त शो कराएगा। जब वो एरर ठीक होगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अदरवाइज वो नीचे टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट करेगा। ओके,
लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर आपका हर लाइन को चेक करता है और सबसे एंड में आपको बताता है कि आपका इस लाइन में इश्यू है, इस लाइन में इश्यू, इस लाइन में इश्यू है। ओके, ये आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस होता है। कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेक करता है जबकि इंटरप्रेटर सबसे एंड में चेक करता है। डीबगर क्या होता है, डीबगर वो होता है जो हमारे प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड कर ले, जैसे कंपाइलर भी फाइंड करता है और डीबगर भी हमारे प्रोग्राम में जितने एरर्स होते हैं वो उन सब एरर्स को फाइंड करेगा। लिंकर, देखो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको किसी के साथ लिंक करना है, मतलब उसको सेव तो करना है ना, किसी किसी फोल्डर पे जाके हम उसको सेव करेंगे ना, तो इसको हम लिंकर कहते हैं, मतलब वो लिंक करेंगे उस फोल्डर के साथ। ओके, लोडर, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, लोडर क्या होता है, लोडर प्रोग्राम को लोड करता है, मतलब प्रोग्राम को चलाएगा। लिंक के बाद जब सबसे पहले एडिट करेंगे, फिर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होगा, प्रोसेस वाला होगा, फिर उसके बाद लिंकर वाला, डीबगर वाला प्रोसेस, मतलब अगर एरर है तो उसको निकाले, फिर उसको सॉल्व करे, फिर लिंक होगा, फोल्डर से लिंक होगा, फिर सबसे एंड वाले प्रोसेस पे वो लोड होगा, मतलब प्रोग्राम को लोड करे करके ये इसके साथ लोडिंग हुई है। ओके, ये भी आपका प्रोसेस हो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब इसके बाद है लेक्चर नंबर थ्री, जो सबसे मेन जो प्रोग्रामिंग आगे जो स्टार्ट हो रही है वो लेक्चर नंबर थ्री से स्टार्ट हो गए। जो फर्स्ट टू लेक्चर्स वो जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लें, तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो यहाँ से हो रही है स्टार्ट। ओके, सबसे पहले जब आप कोडिंग करते हो तो आप क्या यूज करते हो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड मीन क्या है, वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जो कि प्रोग्राम का पार्ट बिल्कुल नहीं होती, ये एक हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब ऑलरेडी ये बनी बनाई है, इसको हमने जैसे यूज करना है, ये हमारे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं होती। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है, मतलब हदायत देती है कि इसको सॉल्व करे। इट टेल्स का सी कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, ये सी कंपाइलर को कहती है कि फाइल को इंक्लूड करो, मतलब जो भी कंटेंट हो उसको इंक्लूड करो। ओके, उसके बाद है आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ स्ट्रीम का क्या पर्पस वो भी देख लेते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब जो भी आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीमिंग क्या है, जो सारा आपका कंटेंट है, जो आप सारा आपका डाटा है, वो सारा इनपुट एंड आउटपुट को उसको डिफाइन कर उसको फाइल में सेव करेगा। योर प्रोग्राम विल ऑलमोस्ट सर्टेनली वांट टू सेंड स्टफ टू द स्क्रीन एंड रीड थिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड, मतलब जब आप कीबोर्ड से जब आप कोडिंग करोगे तो वो जितना भी कंटेंट हो वो आईओ स्ट्रीम में आपका वो उस फाइल में सेव करता जाएगा। ओके, अब इसके बाद है मेन फंक्शन। थर्ड लाइन पे जब आप, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नहीं आपको मैं यहाँ से क्लियर कराता हूँ। देखो सबसे पहले हम हैशिंग लूट आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वो मुख्य प्रोग्राम्स में यूज होता है, लेकिन जनरली बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करना बहुत ही बेस्ट अप्रोच होती है। तो थर्ड लाइन भी हमारे पास आती है इंट मेन। इंट मेन क्या होता है, दिस द मेन द नेम मेन इज स्पेशल इन दैट द मेन इज एक्चुअली द वन विच इन रन वन योर प्रोग्राम इज यूज। तो सबसे मेन जो मेन चीज होती है प्रोग्रामिंग की वो होता है इंट मेन। इंट मेन के अंदर आप जो भी कोडिंग करोगे, जो भी कोडिंग करोगे वो आपकी रन होगी, इंट मेन के अंदर आपकी सारी कोडिंग एग्जीक्यूट होती है। ओके, अब इसके बाद है सी आउट। सी आउट का क्या प्रोसेस होता है, सी आउट यूज होता है आपके प्रोग्राम को सी आउट करने, मतलब स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए। और सी आउट के लिए हम ये वाले कॉलन्स यूज करते हैं, जैसे मैं आपको यहीं से थोड़ा सा रेडी करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ से हम करते हैं हैशिंग क्लू आईओ स्ट्रीम, फिर उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, फिर उसके बाद है इंट मेन। इंट मेन किया, अब फिर यहाँ पे हम करेंगे सी आउट। सी आउट क्यों यूज होता है, सी आउट यूज होता है आपके प्रोग्राम को सी आउट के, मतलब जो डिस्प्ले जो करने उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो इसके आगे हम ये वाले कॉलन, ये वाले साइन, लेस देन वाले साइन, ये वाले साइन हम यूज करते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम में इसको शो करना है, कोई भी नेम शो करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखें, लेट्स सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज नूरान। तो ये आपके प्रोग्राम को, ये सेम चीज ये आपके प्रोग्राम को ये डिस्प्ले करें। देखो ये अब प्रोग्राम लिंक करेगा, अब मैं प्रोग्राम को सेव करने लगा हूँ किसी भी फोल्डर में,
तो अब ये लोडिंग बैकएंड है, अब ये लोडिंग हो रही इस टाइम पे, तो मतलब लिंक भी हुआ लोडिंग, यहाँ भी इसने एक एरर जेनरेट किया है, तो देख लेकिन क्या आ रहा है, यूजिंग नेम स्पेस, इसने ये बोला है कि आप स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसने डीबगर से हमारा जो एरर है वो इसने निकाला है और हमें बताया। तो अब इसको मैं अगेन F11 से इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, तो दोबारा एग्जीक्यूशन हो रही है, तो चेक करते हैं। देखो माई नेम इज नूरान, मतलब उसने वो पुराम उसने वो नेम शो कर दिया, ये होता है सीआउट का। ओके इसके बाद है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या ही होता है, सेमी कॉलन हम हर किसी भी जब भी अगर आप देखो, अगर आप जनरल से देखो प्रैक्टिकली जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो सबसे एंड भी आप डॉट्स वाला साइन यूज करते हो, वो क्यों यूज करते हैं कि उसका ये मतलब होता है कि हमारा ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है। तो इस यहाँ कोडिंग में डेव सी प्लस प्लस हम ये वाला सेमी कॉलन यूज करें, इसका ये मतलब होता है कि हमारी ये लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई है, अब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। ओके तो इसका भी वही पर्पस होता है जो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ भी अब आ रहे थी वेरिएबल नेम इन सी में भी स्टार्ट विद द स्क्रैटर, जो वेरिएबल क्या होता है, अब मेन चीज आ रही है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल भी मैं आपको यहीं से थोड़ा सा बता देता हूँ प्रैक्टिकली। ये थोड़ा सा ओपन होता है व्हाइट बोर्ड में आप समझाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ के आपको रेडी करवाता हूँ वेरिएबल क्या होता है। देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपके किसी भी प्रोग्राम जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो कोई भी आप वैल्यू लेते हो, तो वेरिएबल किसी वेरिएबल आपके प्रोग्राम डाटा को सेव करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं इसको थोड़ा इसको आई थी जो मैं आपको यही बताता हूँ। हाँ मैं व्हाइट बोर्ड 1 मिनट में इस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड में ओपन करके यहाँ से आपको मैं इसका राइटिंग करवाता हूँ। देखें यहाँ पे देखें, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपके किसी भी जो भी आपके डाटा होगा उसको सेव करने के लिए यूज होगा, वेरिएबल आपके हमेशा मेमोरी की बैकएंड में यूज होते हैं। लेट्स वो यहाँ भी लेट्स वो आपका एक बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, अब वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी या कोई भी नेम, अली पाकिस्तान जिंदाबाद जो भी आप लेना चाहते हो वो आपका हो सकता है। लेट्स सपोज हमारा एक नेम है ए, ए नेम, यहाँ पे ए क्या शो कर रही है, ए शो कर रहा है कि आपका एक ये ए आपका वेरिएबल है, ए आपका वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा एंटर करना है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 7, अब ए वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई 7, अब यहाँ पे ये कोडिंग कैसी होगी, अब इसकी कोडिंग ऐसी होगी ए इक्वल टू 7, मतलब एक एक वेरिएबल है और इसके अंदर 7 वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसको मैं अगर कोडिंग से करूँ, सबसे पहले इसको मैं डिक्लेयर करूंगा, ये डिक्लेरेशन पूरा प्रोसेस होगा, जबकि जब हम वैल्यूज को उसको वैल्यू देंगे तो वो इनिशियलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पे ए क्या है, ए आपका वेरिएबल है। ओके वापस रिटर्न आते हैं हैंडआउट्स में, तो हर हर एक वेरिएबल में उसका कोई नेम होगा, कोई टाइप होगा, कोई साइज होगा, कोई वैल्यू होगी। देखो जैसे मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, इसका ए एक नेम है, 7 इसकी वैल्यू है, इसकी साइज है। ओके हर वेरिएबल कोई नेम कोई टाइप कोई साइज होगी। ओके ये भी आपका रेडी हो गया। और अब सी लैंग्वेज में उन्होंने बताया है कि हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं, कुछ डिफरेंट सी लैंग्वेज के कुछ डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे इसको भी मैं आपको यहीं से बताता हूँ। देखो हमने ये इक्वल वाला साइन ऑपरेटर यूज किया, अब इसका क्या पर्पस है, इक्वल वाला साइन ऑपरेटर इसका ये पर्पस होगा, ये जो 7 वाली वैल्यूज है, ये जो 7 वाली वैल्यूज है वो इस ए को इनिशियलाइज करो, ना कि इसके ये बराबर है कि ए और 7 बराबर है। मैथमेटिकली अगर हम देखा जाएगा मैथमेटिकली इसका इक्वल वाला साइन का ये पर्पस होता है कि 7 ए के बराबर है, इसको हम इस सेंस में लेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज में कोडिंग में इसका मुख्तलिफ इसका कंसेप्ट होगा, उसका ये इसका ये कंसेप्ट होगा, ये जो 7 वाली वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर है, ये जो 7 वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यूज को असाइन किया जाता है। इस पैराग्राफ में भी इन्होंने यही बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूँ, अगर आपने ये शो करवाना है ये ए 7 के बराबर है तो इसके लिए आप डबल इक्वल वाला साइन यूज करोगे, डबल इक्वल वाला साइन का ये पर्पस होगा कि
ए की वैल्यू एंड 7 की वैल्यू सेम है, ओके इसका ये पर्पज होगा। ओके अब इसके अंदर आगे मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास मोस्टली डाटा टाइप्स हो गई हैं, डाटा टाइप्स आ रही हैं। देखो जैसे मैं डाटा टाइप्स का भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ थोड़ा सा। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स हमारे पास जो भी हम डाटा लेंगे, जो भी हम डाटा लेंगे इंटीजर फ्लोट, वो उसको हम शो करवाने के लिए यूज होंगे। जैसे इंटीजर, इंटीजर के अंदर हम कौन सा डाटा ले सकते हैं? इंटीजर के अंदर हम हमेशा इंटीजर फॉर्म में डाटा लेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई इस फॉर्म में अगर कोई डाटा है वो हम लेंगे इंटीजर फॉर्म में। अगर कोई फ्लोटिंग वाला डाटा है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग भी एक हमारे पास डाटा टाइप्स होती है, तो इसके अंदर हम कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स की फॉर्म में जो डाटा होगा उसको हम यहाँ भी यूज करेंगे, और इसको डिनोट किया जाता है फ्लोट से, FLOT, FLOT से डिनोट किया जाता है। और इंटीजर और इंट से, देखो ये जो जब जब मैंने इंट किया तो ये बोल्ड हो गया, ब्लैक फॉर्म में बोल्ड हो गया। इसका क्या पर्पस है? इसका ये है, ये रिजर्व वर्ड्स है, ये डेव में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ये कोड है, तो इनका क्या पर्पस है? ये इनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप्स आती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की क्या होती है? स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, जैसे अली अली हो गया। जैसे इसके बाद एक और एग्जांपल्स लेते हैं पाकिस्तान, मतलब जो कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक करेक्टर्स हो उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब करेक्टर का भी एक यूज होता है, इसको मैं डिनोट करता हूँ चार नेम से, तो इसको भी हम ABCD, मतलब जो आपके अल्फाबेटिक करेक्टर्स हो वो इस करेक्टर्स में, इस डेटा टाइप्स में यूज होते हैं। जबकि स्ट्रिंग को भी हम कोडिंग के लिए स्ट्रिंग ही यूज करते हैं डायरेक्ट। तो ओके आई होप सो आपको ये डेटा टाइप्स की अच्छी समझ आ गई होगी। तो यही हमारे पास चार मेन डेटा टाइप्स यूज होती हैं। तो देखो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको मजीद थोड़ा सा बताता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए लिखूंगा, तो अब मैं ए के अंदर हमेशा, अब जो ए के अंदर मैं वैल्यू लूंगा ना, सी इन करूंगा, सी इन ए, इसका ये पर्पस होगा, इसका ये मतलब होगा कि ए के अंदर मैं बस 1, 2 फॉर्म में नंबर ले सकता हूँ। 1, 2 फॉर्म में जो नंबर होंगे बस उसी को नंबर में ले सकता हूँ, मतलब कम्बिनेशन ऑफ नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट फ्लोटिंग वाले नंबर में लूंगा। अब इसके अंदर मैं पॉइंट्स वाले नंबर नहीं मैं इसके अंदर एंटर कर सकता। इंटीजर के अंदर मैं इंटीजर्स के टाइप के रिलेटेड ही जो इसके अंदर जो डाटा होगा मैं उसी को यूज करूंगा। ओके अब डाटा टाइप ये 4 बाइट्स के डाटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, और इसके बाद ये सब कुछ वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले आपको प्रैक्टिकली समझा दी है। तो आप जस्ट इसको शॉर्ट सा आपने इसको रीड कर लेना है, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स से बताई हैं आपने बस इनको अच्छे से अपने माइंड में रखने हैं, इनको भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बेसिक से कंसेप्ट होते हैं। अगर ये भी भूल जाए तो प्रोग्रामिंग की, तो फिर इसलिए इसको अच्छे से इसको आपने सीखना है। ओके लॉन्ग डाटा टाइप जब हमारे पास बहुत ज्यादा फॉर्म में डाटा हो तो उसके लिए हम लॉन्ग डाटा टाइप यूज करते हैं। तो रियल नंबर भी हमारे पास 2 टाइप्स को, फ्लोट नंबर एंड डबल होते हैं। ओके तो करेक्टर नेम, ये भी वही सारी मेन चीज होते हैं। ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस माइनस मॉडुलस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाले साइंस होते हैं, मॉडुलस वाले साइंस होते हैं। ओके जो सबसे मेन जो चीज होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज करती है, तो ये डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ से थोड़ी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ओके लेट्स सपोज आप ये समझे, हमने 2 नंबर्स हैं, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये 5 है और ये 2 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2, ये क्या होगा, 2 2 टाइम 4 होगा ना, 2 2 टाइम 4 होगा। अब पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा, पीछे रिमाइंडर बचेगा 1। ओके अब ये जो 1 होगा ये डिनोट करेगा आपके मॉडुलस को, मतलब इस मॉडुलस को वो इसके अंदर वो वैल्यू शो होगी, सॉरी स्टोर होगी। जबकि ये जो ऊपर 2 बचेगा, मतलब ये 2 जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, ये शो करेगा आपके डिवाइड वाले साइन, मतलब जिसके साथ आपने डिवाइड किया ये उसको शो करेगा। ओके ये डिवाइड
डिवाइड वाला साइन, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी, जब ये मॉडुलस वाली, जब भी आप मॉडुलस करोगे तो ये वन इसके अंदर स्टोर होगी। ओके, अगर आपने मजीद प्रोग्रामिंग को सीखनी है तो मैंने ऑलरेडी इसकी कोडिंग, मैंने ना एक सीरीज बनाई हुई है, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो प्रिसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब जो हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, पैरेंथेसिस, ये मल्टीप्लीकेशन वाले, डिवाइड और मॉडुलस वाले, एंड ये प्लस माइनस वाले, इनकी क्या प्रिसिडेंस, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये इनकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहले अगर आपके मैथमेटिकली, अगर आपके, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल्स बताता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन आया और ए बी मल्टीप्लाई, फिर आप आगे कर लें सी, फिर प्लस आया हो, प्लस सिक्स पैरेंथीसिस के अंदर आपका, अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, अगर आपका कुछ ऐसा कोई, अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ हो, तो आपके मतलब आप इस पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन को आप इसको सॉल्व करें कोडिंग में, तो इस सबसे पहले आपने ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आप प्लस कर दो, इसको कर दो, मतलब जो कैलकुलेटर पर करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपने पैरेंथीसिस, और स्टेप बाय स्टेप ये जो इन्होंने बोला होता है सबसे, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई, फिर मॉडुलस, डिवीन मॉडुलस, और फिर सबसे एंड पे प्लस माइनस, इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप सॉल्व करोगे। ओके, तो इसके बाद आप, हमारे पास ये कुछ टिप्स हैं, आपने इनको एक अच्छे से रेडी कर लेना, और ये जो टिप्स पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इनको आपने अच्छे से रेडी करना है दफा। ओके, सो आई होप सो आपको ये वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए हुए होंगे। तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।